पीएम मोदी का गोवा में संबोधन, पीएम ने गोवा की जमकर की तारीफ, कहा गोवा का मतलब विकास का नया मॉडल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी करेंगी गोवा का दौरा, 28 अक्टूबर को गोवा पहुंचेंगी ममता, ट्वीट कर दी जानकारी। तीन दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर अमित शाह, कारोबारियों और कई दलों के नेताओं से मिलेंगे शाह, 370 हटने के बाद अमित शाह का पहला दौरा। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन, सीएम ने पिछड़ा मोर्चा का किया संबोधित और कहा बीजेपी में सबका साथ सबका विकास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत स्वपूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों और हितधारकों के साथ बातचीत की। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से प्रेरित होकर स्वपूर्ण गोवा की पहल 1 अक्टूबर 2020 को की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के एक अधिकारी को स्वपूर्ण मित्र के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो एक नामित पंचायत या नगर पालिका का दौरा करता है और लोगों के साथ बातचीत करता है, कई सरकारी विभागों के साथ समन्वय करता है और ये सुनिश्चित करता है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को मिल सके। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गोवा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गोवा यानी आनंद, गोवा यानी प्रकृति, गोवा यानी टूरिज्म, लेकिन आज मैं ये भी कहूंगा गोवा यानी विकास का नया मॉडल। आगे क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। आत्मनिर्भर भारताचे सपन, स्वयंपूर्ण गोवा, एक जनेतल्यान साकार परपी गोयकारंका गेवकार, तुमच्या सारखा धड़पड करपी लोकांक लागून गोय राज्याच्यो गरजो गोयांतच भागपाक सुरू जाण्यात ही खोशयेची गजाल आसा। जब सरकार का साथ और जनता का परिश्रम मिलता है तो कैसे परिवर्तन आता है, कैसे आत्मविश्वास आता है, ये हम सभी ने स्वयंपूर्ण गोवा के लाभार्थियों से चर्चा के दरमियान अनुभव किया। गोवा को इस सार्थक परिवर्तन की राह दिखाने वाले लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रीपाद नाइक जी, गोवा के डिप्टी सीएम श्री मनोहर अजगांवकर जी, डिप्टी सीएम श्री चंद्रकांत केवलेकर जी, राज्य सरकार के अन्य मंत्री, सांसद, विधायक, लोकल बॉडीज के सभी प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य, पंचायत सदस्य, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे गोवा के भाइयों और बहनों, कहा जाता है गोवा यानी आनंद, गोवा यानी प्रकृति, गोवा यानी टूरिज्म, लेकिन आज ये भी कहूंगा कि गोवा यानी विकास का नया मॉडल। गोवा ने महिलाओं को ये सुविधा देने में बेहतरीन काम किया है। इसी वजह से कोरोना लॉकडाउन के दौरान हजारों बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले, उनके बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो सके, घर घर नल से जल पहुंचाकर भी गोवा सरकार ने बहनों को बहुत बड़ी सुविधा दी है। अब गोवा सरकार गृह आधार और दीनदयाल सोशल सिक्योरिटी जैसी योजनाएं से गोवा की बहनों का जीवन और बेहतर बनाने का काम कर रही है। भाई और बहनों, जब समय मुश्किल होता है, चैलेंज सामने होता है, तभी असली सामर्थ्य का पता चलता है।
बीते डेढ़ दो वर्षों में गोवा के सामने 100 साल की सबसे बड़ी महामारी तो आई ही। गोवा ने भीषण साइक्लोन और बाढ़ की विभीषिका को भी झेला। मुझे एहसास है कि गोवा के टूरिज्म सेक्टर को इसमें कितनी मुश्किलें आई, लेकिन इन चुनौतियों के बीच गोवा की सरकार, केंद्र सरकार डबल ताकत से गोवा के लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी रही। हमने गोवा में विकास कार्यों को रुकने नहीं दिया। मैं प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने स्वयंपूर्ण गोवा अभियान को गोवा के विकास का आधार बनाया है। अब इस मिशन को और तेज करने के लिए सरकार तुमच्यादारी इसका बड़ा कदम भी उठाया गया है। साथियों, ये प्रो पीपल प्रोएक्टिव गवर्नेंस की उसी भावना का विस्तार है जिस पर बीते 7 वर्षों से देश आगे बढ़ रहा है। ऐसी गवर्नेंस जहां सरकार खुद नागरिक के पास जाती है और उसकी समस्याओं का समाधान करती है। गोवा ने तो गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, जिला स्तर पर एक अच्छा मॉडल विकसित कर लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार केंद्र के अनेक अभियानों में अब तक गोवा 100% सफल हुआ है, बाकी लक्ष्यों को भी सबके प्रयास से आप जल्द ही हासिल कर लेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। साथियों, मैं गोवा की बात करूं और फुटबॉल की बात ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। फुटबॉल के लिए गोवा की दीवानगी कुछ अलग ही है। फुटबॉल का गोवा में क्रेज अलग है। फुटबॉल में चाहे डिफेंस हो या फॉरवर्ड, सभी गोल ओरिएंटेड होते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को भारतीयता का प्रतीक कहा है। श्रीराम के जीवन चरित्र को मनुष्यता के प्रतिबिंब की संज्ञान देते हुए उन्होंने कहा कि राम को जिसने जिस भाव से भजा है उसे वैसी ही गति मिली है। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर अयोध्या शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित ग्रंथ भारतीय भाषाओं में राम चार खंड का विमोचन कर रहे थे। समारोह में उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी का देश इंडोनेशिया हो या फिर थाईलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे देश, राम सर्वत्र हैं। सबने राम की महिमा को सहर्ष अंगीकार किया है। हम राम कथा से परिचित हैं, उसके सभी पात्रों संवादों को भी जानते हैं, फिर भी हर साल जब रामलीला का मंचन होता है तो हर कोई पूरे श्रद्धा भाव से एक एक घटना को देखता है, स्व को जोड़ता है। कोरोना काल में जब दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक का प्रसारण हुआ तो उसकी टीआरपी ने कई कीर्तिमान रचे। यही राम की महिमा है। राम को जब भी जितनी बार भी देखा, पढ़ा, समझा जाए, हर बार एक नई ऊर्जा से मन प्रकाशित होता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है, वो व्यवस्था जिस पर समाज टिका है। उपासना विधियां अलग अलग हो सकती हैं, पर धर्म तो एक ही है। अयोध्या शोध संस्थान और वाणी प्रकाशन द्वारा 17 भाषाओं में राम कथा के एक संकलित कर भारतीय भाषाओं में राम के प्रकाशन को सीएम ने अद्भुत प्रयास पर कहा और बताया कि बहुत जल्द ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ राम भी उपलब्ध हो सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शनिवार को घोषणा की है कि वो 28 अक्टूबर को गोवा पहुंचेंगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जैसा कि मैं 28 तारीख को अपनी पहली गोवा यात्रा की तैयारी कर रही हूं, मैं सभी व्यक्तियों, संगठनों और राजनीतिक दलों से बीजेपी और उसके विभाजनकारी एजेंडे को हराने के लिए एकजुट होने का आह्वान करती हूँ। गोवा के लोगों ने पिछले 10 सालों में काफी कुछ झेला है। मुख्यमंत्री का दौरा लगभग 1 महीने पहले हुआ है, जब उनकी पार्टी तटीय राज्य में राजनीतिक आधार पर काम कर रही है, जहां 2022 की शुरुआत में चुनाव होने हैं। बता दें कि पार्टी पहले ही एक पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फलियरो को शामिल कर चुकी है।
जिन्होंने पिछले महीने कांग्रेस के मौजूदा विधायक के रूप में इस्तीफा दे दिया था, और एक अन्य निर्दलीय विधायक प्रसाद गंगवार ने भी तृणमूल कांग्रेस को समर्थन व्यक्त किया था, जो कि हर वर्ग के लोगों को बड़ी संख्या में शामिल कर रही हैं। उनके राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के नेतृत्व में इंडियन पॉलिटिक्स एक्शन कमेटी की एक टीम लगभग दो महीने से गोवा में डेरा डाले हुए है और तृणमूल कांग्रेस के लिए जमीनी काम की तैयारी भी कर रही है। गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को नवंबर में राज्य में होने वाले 3 दिवसीय चिंतन शिविर में आमंत्रित किया है। इस बैठक में अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के संबंध में योजना तैयार की जाएगी। गुजरात कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने शुक्रवार को नई दिल्ली में इस संबंध में एक लंबी बैठक भी की है। उन्होंने गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में विस्तृत चर्चा की, जो अगले साल दिसंबर में होने की संभावना है, और सभी शीर्ष नेताओं के साथ गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ गुजरात में विपक्षी दल के एक नेता LOP की स्थिति के बारे में भी चर्चा हुई। मौजूदा समय में दोनों पद खाली हैं, क्योंकि दोनों नेताओं ने बहुत पहले ही इस्तीफा दे दिया है, और इस दौरान गुजरात के नव नियुक्त प्रभारी रघु शर्मा भी उपस्थित रहे और उन्हें गुजरात में पार्टी की स्थिति के बारे में भी बताया गया। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी GPCC के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि हमने राहुल गांधी को नवंबर में होने वाले 3 दिवसीय चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, और हमें यकीन है कि वो शिविर में मौजूद रहेंगे और गुजरात में पार्टी के रुख पर कांग्रेस का मार्गदर्शन भी करते नजर आ सकते हैं। तो गुजरात में 3 दिवसीय कांग्रेस चिंतन शिविर लगाया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे और जल्द ही इस शिविर में शामिल होकर पूरा एक खाता तैयार कर सकते हैं। केंद्रीय समिति की 3 दिवसीय बैठक में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन पर विचार जारी है। दिल्ली में रविवार तक चलने वाली बैठक में पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी के कार्यकाल पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि माकपा की 3 दिवसीय केंद्रीय समिति की बैठक शुक्रवार को शुरू हुई। बैठक के एजेंडे में आगामी चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के साथ गठबंधन पर पार्टी की क्या नीति रहेगी, ये तय करना भी शामिल है। इसे बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पोलित ब्यूरो में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को लेकर मतभेद है। केरल का गुट BJP के खिलाफ क्षेत्रीय दलों के साथ साथ वामपंथी नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष गठबंधन पर भी जोर दे रहा है। वहीं पश्चिमी बंगाल के नेताओं के गुट का कहना है कि देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस से गठबंधन के बिना कोई भी गठबंधन करना पार्टी के लिए अव्यवहारिक ही साबित होगा। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग नीति बनाने की जरूरत है। फिलहाल इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। पिछले हफ्ते ही माकपा पत्रिका चिंता के एक लेख में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने लिखा था कि कांग्रेस विपक्ष की धुरी नहीं हो सकती। केरल को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस के नेता BJP में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं, और इसलिए दोनों के बीच बहुत कम असाधारण अंतर है। असम के डिब्रूगढ़ जिले में शुक्रवार सुबह असम राइफल्स के 3 जवानों के साथ एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की हेरोइन बरामद की गई है। डिब्रूगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिटुल चैतिया ने कहा है कि एक खुफिया इनपुट पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को डर गांव में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वे नागालैंड के दीमापुर से असम के तिनसुकिया में ड्रग्स ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास से करीब 270 ग्राम हेरोइन जब्त हुई है। उन्होंने कहा कि रात भर के ऑपरेशन के दौरान असम राइफल्स की वर्दी और उनके पास से 48,000 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं, और 3 अर्धसैनिक बल के जवानों को भी पकड़ा गया है। छापे का नेतृत्व करने वाले चेतिया ने मीडिया को बताया कि असम राइफल्स के तीनों जवान कोहिमा डिवीजन के दीमापुर ट्रांजिट कैंप में तैनात थे। SP ने कहा कि आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने नागालैंड के व्यवसायिक केंद्र में एक महिला से हेरोइन खरीदी और ड्रग्स को तिनसुकिया के एक डीलर तक पहुंचाया जाना था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल भी की जा रही है।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल सचिवालय में करीब 82,000 पेपरों की ऑनलाइन स्क्रीनिंग की गई है। इसकी घोषणा शुक्रवार को की गई। इससे सालाना 190 पेपर रिम्स की बचत होगी। जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अकलर के निर्देशानुसार सचिवालय को कामकाज ऑनलाइन कर दिया गया। राज्यपाल ने अपने सचिव प्रियुत मंडल को राजभवन में परियोजना के पूरे होने और काम शुरू करने पर बधाई भी दी है। मंडल ने राज्यपाल को ई ऑफिस सॉफ्टवेयर से अवगत कराते हुए कहा कि ई ऑफिस सॉफ्टवेयर को काम में लाने से काम से गति के साथ साथ पारदर्शिता आएगी और समय की भी बचत होगी। राजभवन के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऑफिस का काम अगस्त में शुरू हुआ था और 22 अक्टूबर को पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि करीब 500 फाइलों को स्कैन कर ऑनलाइन कर दिया गया है। विभागों में फाइल कार्य को स्वचालित करने के लिए ई ऑफिस एप्लीकेशन भी लागू किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि अब ई फाइलों को आसानी से ढूंढा और प्राप्त किया जा सकता है और इन पर तुरंत कार्रवाई भी की जा सकती है। बिहार के लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने 18 अर्धनिर्मित पिस्तौल के साथ 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी इन पिस्तौलों को लेकर मुंगेर जा रहे थे, जहां इनको पूरी तरह तैयार किया जाना था। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ हथियार तस्कर अवैध हथियारों की खेप लेकर पहुंचने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर रात को कबैया थाना क्षेत्र के जमुई मोड़ के पास पुलिस ने वाहनों का तलाशी अभियान चला रखा था। इसी दौरान एक पिकअप वैन की जांच में 18 अर्धनिर्मित पिस्तौल बरामद की गई। मामले की जानकारी देते हुए लखीसराय के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पूरब सराय कमिला रोड निवासी एजाज आलम और मोहम्मद जहीर के रूप में हुई है। आगे वो कहते हैं कि इन पर पहले से भी हथियार तस्करी का मुकदमा दर्ज है। पुलिस के मुताबिक हथियार तस्कर जो लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ में बताया है कि झारखंड के कोडरमा में बने हथियारों को मुंगेर लाया जा रहा था, जहां सभी हथियारों को पूरी तरह तैयार किया जाना था। फिलहाल मामले में पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर अन्य तस्करों का पता लगाने में जुटी हुई है। आगरा के विम्स अस्पताल में उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब अस्पताल की लिफ्ट अचानक भरभराकर फर्स्ट फ्लोर पर आ गिरी। जानकारी के मुताबिक पहले लिफ्ट नीचे से ऊपर गई, फिर ऊपर से तेजी से नीचे आकर फर्स्ट फ्लोर पर आकर अटक गई, जिससे लिफ्ट में मौजूदा लोगों में चीख पुकार मच गई। मामले में किसी भी जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं है। तो आगरा के अस्पताल में लिफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जो लोग सवार थे उनमें चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि पहले लिफ्ट ऊपर की तरफ गई और तेजी के साथ फर्स्ट फ्लोर पे आकर रुक गई। हालांकि जानकारी मिल रही है कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई है। एक और जहां प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई बार चिंता जाहिर कर चुकी है, तो वहीं प्रदेश के सरकारी अस्पताल की हालत सुधरने के नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही कुछ नजारा अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला, जहां ओपीडी विभाग में मरीजों का इलाज फार्मासिस्ट के द्वारा किया जा रहा था और यहां आने वाले मरीज और उनके तीमारदारों को धरने से बाहर की दवा लिखी जा रही थी। आपको जानकारी दे दें कि स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों की भरपूर तैनाती की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी फार्मासिस्ट अपने मन की दवा लिखते रहते हैं। वहीं जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के महिला वार्ड में प्रसव के लिए आई गर्भवती महिलाओं को नाश्ता और खाने के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रसव के बाद महिलाओं को नाश्ते में दूध ब्रेड के साथ दोनों समय खाने देने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ ये व्यवस्था दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। वहीं शौचालय का हाल इतना खराब है कि कोई भी यहां खड़ा नहीं हो सकता। वहीं जब इन सब समस्याओं को लेकर सीएमओ से बात की गई तो वो भी गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। ऐसा है कि चीफ फार्मासिस्ट जो होते हैं चिकित्सक के एक अंग होते हैं चिकित्सा इकाई के, और चिकित्सक की अनुपस्थिति में चीफ फार्मासिस्ट अगर कोई व्यक्ति है तो वो जो चिकित्सक ने औषधियां लिखी हैं उन औषधियों को कंटिन्यू करा सकता है, उन औषधियों को खाने के तरीके बता सकता है और क्या क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं ये बता सकता है। वहीं पे गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार नहीं दिया जा रहा, इसके बारे में? पोषण आहार जो है, जो भी गर्भवती महिलाएं भर्ती होती हैं
उनको जो है 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रखा जाता है और उसके लिए आहार की पूरी समुचित व्यवस्था है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है जेएसएसके का, वो आदमी जो है पोषण आहार देता है। मेरी पत्नी को सोमवार को बच्चा हुआ था, अभी तक यहाँ पे कुछ खाने पीने को मिलता नहीं, केवल जब से ऑपरेशन हुआ है तब से सारा चीज़ घर से आ रहा है, यहाँ कुछ मिलता नहीं, कोई भी ऐसे खाने पीने की चीज़ आज तक नहीं मिली। तब आते हैं यहाँ पे चेक करने, बाकी रूम में कोई आता नहीं स्टाफ का। यहाँ क्या करने आई थी अस्पताल में? तो क्या हुआ, ये कौन सी दवा है जो? ये दवा है खुजली का, यहाँ डॉक्टर के पास नहीं था, बाहर से लिख के दिए हैं। बस सरकारी सुविधा कुछ ना मिला भाई, और सोमवार से भर्ती गई 11 तारीख से, घर से सारा सामान मतलब सरकारी सुविधा कौन चीज ना मिला भाई, दूध दही मतलब जो चीज सरकारी मिला था कौन चीज या कौन मतलब कौन सुविधा है ये नहीं ना। कानपुर में पुलिस ने लाखों की कीमत के नकली कृषि पाइपलाइन बरामद किए हैं, जिसको लेकर लगातार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो कानपुर का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने लाखों की कीमत के नकली कृषि पाइप बरामद किए हैं। लगातार ये कृषि पाइप बेच रहे थे, फिलहाल इनके पास से भारी संख्या में लाखों की नकली पाइप बरामद कर ली गई है। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, नामचीन कंपनी बताई जा रही है जिसके पाइप फर्जी तरीके से यहां पर बनाए जा रहे थे और उसके बाद इन्हें बेचा जा रहा था। तो नामचीन कंपनी का ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर नकली माल बना रहे थे, जिससे नामचीन कंपनी को काफी नुकसान हो रहा था, तो किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि पकड़े गए नकली माल की अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने नकली माल समेत सरगना अशोक गुप्ता और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। वीके पैकवेल प्राइवेट लिमिटेड हमारी फर्म है जो दादानगर 44B में स्थित है। हमारे यहाँ कुल 6-7 यूनिटें हैं जिसमें हम सर्वोत्तम ट्रेडमार्क से उत्पाद बनाते हैं, जिसका पूरे भारतवर्ष में हम प्रचार प्रसार करते हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, होल्डिंग के माध्यम से और बाकी अन्य माध्यमों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी करते हैं, जिसके नाम का गलत इस्तेमाल करके कानपुर की 5-6 कंपनियां जो उत्पाद बना रही हैं वो उत्पाद क्वालिटी में ख़राब है, किसान तक जाता है। किसान सर्वोत्तम नाम देख के उत्पाद तो ले लेता है लेकिन वो विश्वसनीयता उसको नहीं मिल पाती जो सर्वोत्तम में है, इसलिए हमारा नाम मार्केट में ख़राब हो रहा है ऐसे उत्पादों से। अब जैसे आज ही हमने रास्ते में गाड़ी पकड़ी जिसमें सर्वोत्तम ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट रखा गया था, पकड़ के हम दादानगर चौकी में खड़े किए हुए हैं जहां पे हमने इनके खिलाफ FIR की तहरीर दी हुई है। मथुरा में एक बार फिर सेन स्नेचिंग गैंग सक्रिय होता नजर आ रहा है, जहां मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने एक महिला से चेन लूटने की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक महिला घर के दरवाजे पर खड़ी थी, तभी बदमाश महिला की 3 तोले की चेन तोड़कर फरार हो गए। वहीं ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर चेन स्नैचिंग गैंग जो है वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है और चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी थी, तभी कुछ बदमाश वहां आते हैं और महिला की चेन लूटकर फरार हो जाते हैं। हालांकि ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।